बेंटन। अभी सो ने जिस तरीके से बेन की पावर को हाईलाइट किया है उतना किसी और बेंटन के यूनिवर्स में किसी भी सुपर हीरोज की पावर को हाईलाइट कभी नहीं किया। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ केविन की। लोगों ने कभी केविन की पावर्स को ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर केविन ने अपनी पावर्स को कितना इम्प्रूव किया है। इसीलिए जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले केविन की स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी उन पावर्स को। तो वीडियो में कुछ भी आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग जाओ वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलो आज की हमारी इस ऑसम से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो केविन की जर्नी स्टार्ट होती है बेंटन क्लासिक से। जैसे कि जब केविन ने फर्स्ट टाइम बेंटन की ऑर्मेटस को अब्सॉर्ब किया था तो कुछ मिनट्स के लिए ही बेंटन के एलियंस की पावर्स को यूज कर पा रहा था। और फिर हम लोग ये चीज देखते हैं कि केविन उस चीज को और अपग्रेड करता है और वो बेन की और भी काफी सारे जो एलियंस थे उनके भी पावर्स को इजिली यूज कर सकता था। पर जब केविन बच्चा था और वो जितनी पावर थी उनको जब कंट्रोल नहीं कर पाया केविन, तो केविन बेंटन की सारे एलियन का मर्ज करके वो एक म्यूटेंट मॉन्स्टर बन गया था, जिसमें यार केविन म्यूटेट तो हो गया था और उसके 10 एलियन की पावर आ गई थी, वो भी 10-10%। अब ये जो केविन की म्यूटेशन थी अभी तक हमने जितने भी देखे थे उन सबसे पावरफुल थी, पर जो इसमें एक डिसएडवांटेज था कि केविन इसे नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। और फिर हमने पूरे क्लासिक में ये देखा कि केविन इस म्यूटेट फॉर्म में फंसा रहा। हाँ, तो जो केविन था वो जो मॉन्स्टर म्यूटेशन में फंसा हुआ था, हम लोग देखते हैं कि जो उसकी हेल्प करता है वो एक क्वेरल नाम का बंदा होता है। जब केविन नल वॉइड में जाता है तो एक क्वेरल नाम का बंदा होता है जो कि केविन को सिखाता है कि कैसे अपने म्यूटेशन पावर को कंट्रोल करना, और केविन उसकी टिप्स को फॉलो करके वापस वो नॉर्मल हो जाता है। और फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि जो क्वेरल होता है वो केविन को सिखाता है कि आखिर कैसे अपने म्यूटेशन पावर को यूज करना है और कैसे उसमें कंट्रोल करना है। और फिर हम तब से ही देखते हैं कि केविन किसी भी सरफेस को छू के उसके ही जैसा बन जाता है। जैसे वो स्टील को छूता है तो स्टील के जैसा बन जाता है, या वुड को छूता है तो वुड के जैसा। और जो क्वेरल होता है वही केविन को नल वॉइड जेल से भी निकालता है, बट अनफॉर्चुनेटली क्वेरल वहां से नहीं भाग पाता। और फिर हम देखते हैं कि केविन वहां पर नल वॉइड में से घूम रहा होता है तो उस पे कुछ वल्फीमेंसर अटैक कर रहे होते हैं। तभी फिर उसको बचाने सर्वेंटिस और रूटर्स आते हैं, और जब सर्वेंटिस और रूटर्स ने जब केविन की हेल्प की तो केविन भी अब उनकी बात सुनता है और केविन भी उनकी हेल्प करता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि केविन की ही हेल्प से सर्वेंटिस ने अपने म्यूटेट टीम रेडी की थी और वो सारे इंसानों को एलियंस की पावर भी दे रहा था और खुद उसने भी ब्रेनस्टॉर्म की पावर ली थी। और फिर हम लोग देखते हैं कि केविन की ही हेल्प से सर्वेंटिस ने अपनी पूरी म्यूटेड आर्मी रेडी की और केविन के वजह से ही कुछ जो नॉर्मल ह्यूमंस थे उनको अपने सुपर हीरो वाली पावर्स मिली। और जो पूरी म्यूटेड टीम होती है रूटर्स की वो जाती है बेंटन की टीम को रोकने के लिए। और इस टाइम बेंटन की एज भी 11 इयर्स रहती है और केविन ने फिर से बेंटन की ऑर्मेटस को एब्जॉर्ब किया और वो फिर से पागल मॉन्स्टर में बदल गया जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता और वो सब पे अटैक करता है, अपने टीम और बेंटन दोनों की टीम में। और फिर हम देखते हैं कि आरजीट ने अपनी पावर का यूज करके केविन को बेहोश कर दिया और केविन फिर से नॉर्मल हो जाता है। और जो बाकी के रूटर्स होते हैं वो केविन को भी वहां से लेके चल जाते हैं। और फिर हमें केविन को दिखाया जाता है बेंटन एलियन फोर्स में, जिसमें केविन अब काफी बड़ा हो चुका था और उसके पास वही एबिलिटी थी मेटल एब्जॉर्ब करने की। हाँ, तो अब जो केविन था वो बेंटन की टीम में आ चुका था और केविन की हमने ये एबिलिटी को देखा था कि केविन जब किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करता था उसके बॉडी में वो चीज की लेयर आ जाती थी, और जब केविन किसी भी विलन से अगर फाइट करता था तो जो उसकी बॉडी की लेयर थी वो टूटने भी लगती थी। मतलब केविन जब किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करता था और जब उससे वो फाइट करता रहा तो उसके फाइट में वो चीज काफी बार हमने देखा है कि लेयर्स वो टूट जाती थी। अब जो केविन की एब्जॉर्ब करने वाली पावर थी, इस चीज को हमने बेंटन एलियन फोर्स में एकदम अच्छे से देखा था कि वो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेता था, पर अब केविन के पास इतनी ही पावर नहीं थी कि छोटे से चीज से वो पूरे बॉडी में अपने वो आर्मर ले आए। ये चीज हमने एलियन फोर्स में देखा था कि केविन किसी छोटे चीज से वो पूरा एब्जॉर्ब उसको नहीं कर पाता था, कुछ परसेंट ही एब्जॉर्ब कर लेता था उन चीज को। पर जैसे जैसे टाइम निकला केविन ने अपने इसी म्यूटेशन पावर को इतना अपग्रेड कर लिया, पर लोगों ने कभी चीज को फोकस ही नहीं किया। मैं बताता हूँ आखिर केविन अपनी म्यूटेशन पावर को कैसे और कब अपग्रेड किया। हाँ, तो जो केविन था उसने अपनी म्यूटेशन पावर को तब अपग्रेड किया जब केविन और बेन वो लोग बेंटन की ऑमनेटिक्स को जब हैक करने का ट्राई कर रहे थे, और जब ऑमनेटिक्स ओवरलोड हो जाती है जिसकी वजह से केविन अब एक मॉन्स्टर बन गया था और वो उसमें बहुत ट्राई करता नॉर्मल होने का, पर केविन नॉर्मल नहीं हो पाता, जिसमें यार केविन एक म्यूटेट मॉन्स्टर में तो बदल जाता है, पर हाँ इस बार केविन का पूरा माइंड सही था और उसके कंट्रोल में वो सारी पावर्स थी। मतलब जो केविन का क्लासिक वाला म्यूटेशन फॉर्म था और जो ऑमनीवर्सल फ्लैशबैक वाला हम लोग को म्यूटेशन फॉर्म दिखाया जिसमें केविन आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा था, पर जो ये वाला म्यूटेशन जिसमें केविन के कंट्रोल में ही थे सारे म्यूटेशन पावर और केविन उसमें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ था। और जब केविन मॉन्स्टर बन जाता तो केविन बहुत ट्राई करता नॉर्मल होने का, पर केविन के बहुत ट्राई करने के बाद वो नॉर्मल नहीं होता। पर इसके बीच में केविन ने अपनी जो म्यूटेशन पावर थी उसको काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया था। अब ये जो चीजें हमें बेंटन एलियन फोर्स में पता नहीं चलती, ये चीज हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में पता चलती है। हाँ, तो जो बेंटन एलियन फोर्स का जो लास्ट एपिसोड होता है जिसमें बेंटन ने ऑर्मेटस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो केविन वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब सबको वापस से पता रहा कि केविन वापस से ही अपनी पुरानी पावर्स को यूज कर पा रहा था, जो कि हम सब ने यही चीज नोटिस किया था। बट कुछ बेंटन अल्टीमेट एलियन के ऐसे एपिसोड है जिससे पता चला नहीं खाली केविन की म्यूटेशन वाली पावर से अनलॉक नहीं हुई है, बट नहीं सिर्फ ऐसा नहीं है। जो बेंटन अल्टीमेट एलियन था उसमें केविन के पास खाली एब्जॉर्ब करने की पावर्स नहीं थी, उसने काफी सारे ऐसे ऐसे चीज सीख लिए थे जो कि शायद किसी ने नोटिस किया होगा। जैसे कि बेंटन अल्टीमेट एलियन में
में केविन ने अपने म्यूटेशन पावर को इतना इम्प्रूव कर लिया था कि वो किसी भी मेटल के फॉर्म को भी चेंज कर सकता है। और ये चीज हम लोगों ने देखा भी, केविन ने किस तरीके से एनर्जी के सूट को सही किया। हाँ, तो जो एनर्जी का सूट था पहले तो केविन ने उसको रिपेयर किया, फिर उसने उसके फॉर्म को भी चेंज किया। पर सिर्फ केविन की इतनी ही पावर्स अनलॉक नहीं हुई थी, केविन की और भी काफी सारी पावर्स अनलॉक हुई थी। जैसे कि जब केविन पहले किसी भी चीज को एब्जॉर्व करता रहा तो वो खाली उसके बॉडी में एक लेयर आती थी, पर जब हमने बेंटन अल्टीमेट एलियन देखा, जब केविन किसी भी चीज को एब्जॉर्व करता रहा तो वो उसकी पूरी बॉडी मतलब बन जाती थी उस टाइप की। मतलब यार आप लोग एग्जांपल के लिए डायमंड का ले सकते हो, मतलब केविन की किसी भी बॉडी अगर वो टूट जाती थी तो केविन उसको रिपेयर कर सकता था। और ऐसा हमने देखा भी है, और ठीक ऐसा हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में दिखाया भी था, जब उस पे काफी सारे फॉरेन नाइट्स अटैक कर देते हैं और जब उसके हैंड को कट कर देते हैं तो जो केविन होता है वो अपने हैंड को रिपेयर कर लेता है वापस से। और आप ये चीज ठीक अगर नोटिस करोगे बेंटन एलियन फोर्स में, तो केविन के पास ये एबिलिटी नहीं थी। उसमें यार केविन किसी से भी अगर फाइट करता रहा तो उसके आर्मर टूटने लगते थे, पर अब हमने बेंटन अल्टीमेट एलियन में ये चीज कभी नहीं देखा कि केविन के अब ये आर्मर टूटते हैं। या तो वो नॉर्मल हो जाता है या तो उसके बॉडी पार्ट टूटते तो फिर से रिपेयर कर लेता है उस चीज को। और ये चीज हमने खाली बेंटन अल्टीमेट एलियन में ही नहीं देखा, ये चीज हमने बेंटन ओमनीवर्स में भी देखा कि ओमनीवर्स में भी कभी भी केविन का आर्मर नहीं टूटता था क्योंकि उसकी बॉडी पूरी उस टाइप की बन जाती थी। मतलब केविन ने अपनी म्यूटेशन पावर इतनी ज्यादा अपग्रेड कर लिया है कि उसके अगर बॉडी पार्ट को टूट भी जाते तो फिर से वो रिपेयर कर लेगा, सेम किसी पेट्रोसेपियन के जैसे। और सबसे मस्त चीज जो हमें देखने को मिली कि केविन किसी भी एब्जॉर्ब किए हुए चीज से कुछ भी बना सकता है, जिसमें अब बेंटन अल्टीमेट एलियन की जो लास्ट वाला एपिसोड था जिसमें हम ये देखते हैं कि केविन होता है वो जॉर्ज की जो सूट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और सबके लिए एक हेलमेट बना देता है जिससे ड्रैगन उन पे कंट्रोल ना कर सके। और फिर धीरे धीरे करते केविन ने और भी अपनी काफी सारी पावर्स अनलॉक की, जैसे कि पहले केविन किसी भी छोटे चीज से उस चीज को एब्जॉर्ब पूरा नहीं कर पाता था, जो कि केविन पहले नहीं कर पाता था। बेंटन एलियन फोर्स में उसके पास ये सब चीज नहीं थी कि वो किसी भी छोटे चीज से उस चीज को एब्जॉर्ब कर सके। और जो केविन की सबसे बड़ी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली वो भी हमें बेंटन ओमनीवर्स में ही देखने को मिली, जब केविन ने बेंटन की ओमनीटस को एब्जॉर्ब किया था बेंटन ओमनीवर्स में। हां, तो सबको लगा था कि केविन वापस से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, पर केविन ने हम सबको वहां रॉन्ग प्रूफ किया। और केविन ने उस एपिसोड के लास्ट में दिखाया कि वो वापस से उस म्यूटेशन कंट्रोल को करना सीख लिया है। और फिर यहां पर हमें पता चलता है कि केविन ने इस वाले म्यूटेशन को भी कंट्रोल करना सीख लिया है। हां, तो जो बेंटन ओमनीवर्स का जो वॉल एपिसोड था वो देखने के बाद तो हमें ये चीज तो पता चल गया कि केविन ने अपनी ऑलमोस्ट सारी पावर्स को मास्टर कर लिया है और ने सीख लिया है कि आखिर कैसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना है। ये तो बात हो गई केविन की पावर की जो कि केविन ने मास्टर कर लिया है, पर केविन कुछ एडवांस पावर्स है जो कि उसने फ्यूचर में अनलॉक की, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर फ्यूचर में उसने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया। जैसे कि फ्यूचर में केविन के पास ऐसी पावर आ गई कि उसको बार बार किसी भी चीज को एब्जॉर्ब नहीं करना पड़ता, वो सोच के ही किसी भी चीज को यूज कर सकता है। मतलब जब केविन ने अगर एक बार किसी भी चीज को अगर एब्जॉर्ब कर लिया है, जो उसने एक बार एब्जॉर्ब कर लिया उसको वो सोच के ही यूज कर सकता है, लाइक अ मास्टर कंट्रोल। जैसे बेंटन को मास्टर कंट्रोल का यूज करना होता है तो बेंटन सोच के उस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो केविन ने भी अपनी पावर को उस तरीके से मास्टर कर ली है। और ये सब चीज मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये चीज को हमें बेंटन क्लासिक में दिखा भी दिया गया था, जब केविन के हमें फ्यूचर वाले वर्जन को दिखाया था जिसमें केविन ने ये चीज को किया भी था। रुको, स्टार्टिंग से आपको सबको समझाता हूँ, सब समझ पड़ेगा। जैसे फ्यूचर वाले केविन ने कैसे केनी सेलेरन की पावर को भी यूज किया, और जो उससे बड़ी उसने चीज यूज की, उसने सभी 11,000 एलियन के जो कि उसने नल वॉइड में एब्जॉर्ब किए थे उन सबका एक म्यूटेशन रेडी किया। और ये चीज हमने देखा भी, केविन ने अपने मन में ही सोचा, उसने 11,000 एलियन के म्यूटेशन पावर को रेडी किया और केविन ने उस म्यूटेशन फॉर्म को नाम भी दिया केविन 11,000, जो कि यार हम सब ने देखा कि केविन उसमें कितना पावरफुल हो गया था, उसके 11,000 एलियंस की पावर आ गई थी। तो हम लोग ये तो सपोज कर सकते हैं कि केविन के पास शायद ये भी पावर अनलॉक हो गई होगी कि किसी भी चीजों को सोच के उनकी पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे उसने एलियन फोर्स में किसी भी चीज को टच करता था उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता था, तो उसको वो चीज चाहिए थी, पर अब फ्यूचर में शायद उसके पास ये भी पावर आ गई होगी, क्योंकि जब वो किसी एलियन की पावर को म्यूटेट कर ले रहा है अपने मन से सोच के तो वो चीज को भी कर सकता है। हां, तो जो मेटल वाली चीज है इसको मैं अपने मन से बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज को तो हमें एपिसोड में नहीं दिखाया, पर जब केविन ने इतनी सारी चीज को अनलॉक कर लिया तो ये चीज भी हो ही गया होगा, क्योंकि ये छोटी ही चीज है। हाँ, तो जो केविन की ये सारी पावर्स थी ये तो सारी मैंने एपिसोड में देख के आप लोगों को बताया, और भी पता नहीं केविन ने कितनी सारी चीजें अनलॉक की होगी जो कि हमें एपिसोड में नहीं दिखाए। और भी केविन के पास ऐसी बहुत सारी पावर्स थी जो कि केविन ने अनलॉक की होगी, पर मैंने इस वीडियो में खाली इसलिए नहीं बताया कि सब लोग मुझे बोलेंगे कि तू अपने मन से बता रहा है। तो अगर आप लोगों को भी जानना है कि केविन ने और क्या क्या चीज अनलॉक की जो कि हमें एपिसोड में तो वैसे नहीं दिखाया गया, पर केविन के पास ये सारी एबिलिटी भी आ गई है, तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं शॉर्ट्स में बता दूंगा कि हाँ केविन के पास वो सारी चीज भी है। हाँ, तो जितनी भी चीजें आप लोगों को बताऊंगा वो सारी एपिसोड में तब मैं कभी नहीं दिखाया गया, वो चीज को मैं रिसर्च करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब जिसको भी जानना हो मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का खाली यही मोटिव था कि केविन को लोग कभी इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो केविन के ऊपर ही बना दिया जाए और केविन को भी बताया जाए कि केविन कितना पावरफुल है। हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि केविन की इन सभी में सबसे मस्त चीज क्या लगी आपको, जो यार केविन ने इंप्रूव की है। और हाँ, ऐसी बेंटन की और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं बेंटन किसी एक और नहीं दूसरे वीडियो में। बाय बाय गाइस।